हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? दुआ करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज जीके भारतीय इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रेलवे के बारे में है। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये याद कर लीजिएगा और लेके कृपया करके याद करके ही जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ये काम आने वाला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो हमारे इसका आंसर होगा, ठीक है, हमारा इसका आंसर होगा, देखिए बता रहे हैं, हमारा आंसर है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान नहर में है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में नहर में है, ठीक है, इसे हम राजस्थान नहर भी कहते हैं। देश की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, याद रखिएगा, ये आंसर है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है, अगर जहाँ जरा सा भी मिस्टेक हो जाएगा आपको तो दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बाध परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? बाध परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ये है 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, बाध परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 अप्रैल को 1973 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर है इसका, बहुत ही एग्जाम में काम आने वाला है, आपको ध्यान रख के आपको लेके जाना है। ठीक है, याद करके जाना, आप कृपा करके ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम कहाँ से निकाला जाता है? विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम कहाँ से निकाला जाता है? तो इसका हमारा आंसर होगा, हमारा ये उत्तर है, देखिए हमारा आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो आपको यही आंसर देना है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आपको। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या होगा? चलिए हम आंसर दिखाते हैं आपको, ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सी है? तो कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हमारा सबसे बड़ा ग्रामीण बस्ती है विश्व की, जान जाइएगा दोस्तों, ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर हमारा होगा कोलकाता। ठीक है, चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो क्या होगा आप ध्यान में, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, जो नहीं पता होगा तो हम बताने जा रहे हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? बहुत ही बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, जो लेके नहीं जाते हैं तो आगे चल के याद करके नहीं जाते हैं, पता नहीं रहता है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको फिर दिक्कत हो जाती है। जब जो लोग जो बच्चे याद करके गए हुए हैं, जिनको पता है, उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं चलनी पड़ेगी, वो आराम से लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो इसका आंसर यही है, देखिए पांचवें क्वेश्चन का आंसर है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। ठीक है, हमारा आंसर यही है पांचवें क्वेश्चन का। अब चलिए छठवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है हमसे, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो हमारा आंसर आएगा छठवें क्वेश्चन का, अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी, हमारा उत्तर यही है, अमेजन नदी। ठीक है, चलिए अब हम सातवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान नहर जल प्राप्त कहाँ से करती है? राजस्थान नहर जल प्राप्त कहाँ से करती है? तो
जिन्हें पता होगा वो तो अच्छी तरह जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। चलिए हमारा आंसर होगा ये उत्तर में, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं देखिए सतजल नदी से, ठीक है। राजस्थान हर जल प्राप्त कहाँ से करती है, तो सतजल नदी से करती है, ठीक है। आंसर यही है सतजल नदी, ठीक है। अब चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। सातवां क्वेश्चन आपको बता दिया सतजल नदी से, ठीक है। अब आठवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। आठवां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो हमसे आठवां क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, देखिए क्या बता रहा है बच्चों, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ है। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ है, तो हमारा आंसर होगा आठवां क्वेश्चन का, देखिए हमारा उत्तर है देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। देहरादून है उत्तराखंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा हमारा आंसर यही है, ठीक है। उत्तर देहरादून उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए अब हम नौवे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नौवा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, कह रहा है सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क कौन सा देश है। सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क कौन सा देश है, तो कौन सा होगा। देखिए आपको हम थोड़ा सा बढ़िया से दिखाते हैं, देखिए नौवा क्वेश्चन है हमारा ये, सबसे अधिक घना आबादी वाला देश आबादी वाला सार्क कौन सा देश है। तो चलिए अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये है बांग्लादेश, ठीक है। इसका आंसर बांग्लादेश है, सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है, तो हमारा बांग्लादेश है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही आपको एग्जाम में ध्यान करके ज़्यादा से ज़्यादा ये अधिक पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं, आप नहीं लेके जाइएगा, नहीं याद करके जाइएगा तो आपको तकलीफ, आपको दिक्कत भी झेलना पड़ जाएगा, आपको पता रहेगा यार हम सोचोगे अफसोस करोगे यार क्यों नहीं हमने याद कर लिया, ठीक है। तो आपको याद करके जाना है। चलिए अब हम दसवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा मेरा गला खराब है दोस्तों, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बढ़िया से, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपके लिए कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दसवां क्वेश्चन है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित कहाँ है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित कहाँ है, तो हमारा इसका आंसर होगा देखिए राजस्थान में, ठीक है। दसवें क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान में, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है। चलिए अब ग्यारहवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्यारहवा क्वेश्चन कह रहा है हमसे दादरा और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है। दादरा और नागर की हवेली की राजधानी कहाँ है, तो हमारा ग्यारह क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। दादरा और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है, तो हमारा आंसर होगा सिलवासा में, ठीक है। हमारा आंसर है उत्तर यही है सिलवासा में, ठीक है। चलिए अब हम बारहवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा बारहवा क्वेश्चन कह रहा है हमसे राष्ट्रीय पर्यावरण किस माह प्रति वर्ष मनाया जाता है। बारहवां क्वेश्चन कह रहा है हमसे राष्ट्रीय पर्यावरण किस माह प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो आपको पता होगा, ठीक है, और नहीं पता होगा तो इसमें आंसर दिया हुआ है, हमको बता रहा हूँ आपको आंसर में, बहुत ही आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बारहवें क्वेश्चन का आंसर है 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण किस माह प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 13वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर आ रहा है, ध्यान रखिएगा, आंसर बताने जा रहे हैं हम आपको, कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ जो गुजरात में है, ठीक है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कच्छ जिला जो गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ, ठीक है। चलिए अब हमारा 14वां क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखिएगा, 14वां क्वेश्चन ये है, 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है। गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा मंगोलिया में, ठीक है। गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया में,
ठीक है, इसका आंसर यही है उत्तर। देखिए 14 क्वेश्चन तक था ये, ठीक है ना, हम आपको बता दिए इसका आंसर सारा। चलिए तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना, आपको सारा याद रखना है, आपको बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ये अगर एग्जाम में पूछे गए आपको पूछा जाएगा पक्का, 100% पक्का भरोसा है आपको पूछा जाएगा। अगर आप नहीं जाएंगे लेके नहीं याद करके जाएंगे तो आपको आपको दिक्कत का सामना भी झेलना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान करके आप ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे दोस्तों एक बात और है, हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है, कि जिससे हम जो भी वीडियो भेजें नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ठीक है। और धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद, ठीक है, हम जल्द से जल्द वीडियो लेके आएंगे, तो आगे के लिए धन्यवाद है।